नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। वक्त हो चला है कुछ खास खबरों का। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सेना ने एक पाकिस्तानी आतंकी समेत दो अन्य आतंकी को मार गिराया है। इस घटना में भारतीय सेना के एक मेजर भी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना के महानिदेशक आसिफ गफूर ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह से क्रिकेट में भारत से पाकिस्तान को मिली शिकस्त और देशों की सीमा पर हुई झड़पों के बीच तुलना नहीं करने का आग्रह किया है। गफूर ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से शाह को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय अमित शाह, हाँ आपकी टीम ने एक मैच जीता, वे अच्छा खेले, दो बिल्कुल अलग अलग चीजों की तुलना नहीं की जा सकती है। वैसे ही स्ट्राइक और मैच की तुलना नहीं की जा सकती। सुपरस्टार सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में बड़ी राहत मिली है। जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के दौरान सलमान खान को एक मामले से बरी कर दिया गया है। दरअसल काला हिरण शिकार मामले के साथ सलमान खान के ऊपर एक और मामला चल रहा था, जिसमें उन पर आरोप था कि उन्होंने कोर्ट में झूठा शपथ पत्र पेश किया था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिली करारी हार के बाद दोबारा से पार्टी को खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी पार्टी में बड़ा बदलाव कर सकती हैं। प्रियंका पार्टी के सचिव को भी सभी जिलों का दौरा करने भेजेंगी, जिसके बाद प्रियंका गांधी जमीन से जुड़े जनाधार वाले नेताओं को ही पार्टी में शामिल करेंगी। कोलकाता में डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में देश भर में चल रही डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वहीं अब शिक्षकों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उच्च वेतन और अन्य मांगों को लेकर कोलकाता के विकास भवन के बाहर शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने शिक्षकों को मयूक भवन द्वीप पर जाने से रोक दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। यूको बैंक ने यशोवर्धन बिड़ला को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बिड़ला सूर्या लिमिटेड पर बैंक के 68.55 करोड़ रुपए बकाया हैं। SBI, PNB और बैंक ऑफ इंडिया के कंसोर्शियम के साथ यूको बैंक ने भी बिड़ला सूर्या को लोन दिया था। शाहजहांपुर में एक पिता से प्रेम विवाह की जिद कर रही बेटी को पिता ने पहले चाकू से मार दिया, फिर उसे मृत समझकर नहर में फेंक दिया, मगर लड़की को गंभीर हालत में नहर से निकालकर उसने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कानपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने 7 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं।